हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। इधर इंदौर के सुप्रसिद्ध 125 साल पुराने रणजीत हनुमान मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। रणजीत हनुमान मंदिर में हनुमंतवाड़ा तैयार किया गया है। वहीं भगवान से लेकर भक्त मंडल के सदस्य सभी महाराष्ट्रीय वेशभूषा में नजर आए। सुबह 6 बजे जन्मोत्सव आरती में भी बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए और भगवान को यहाँ 56 भोग अर्पित किया गया। अनुमान है कि 1 लाख से अधिक भक्तों का आज दर्शन करने मंदिर में पहुंचेंगे। ऐसे में दर्शन के लिए बाबा महाकाल की तर्ज पर दर्शन व्यवस्था भी की गई है। वहीं गर्मी ना हो इसके लिए 20 कूलर और शरबत की व्यवस्था परिसर में ही की गई है। तो मंदिर में भक्त मंडल के 21 सदस्यों द्वारा पुणे के ढोल की प्रस्तुतियां भी दी जा रही हैं। बता दें कि मंदिर के पुजारी पंडित दीपेश व्यास ने यह बताया है कि हनुमान जयंती के मौके पर 2 साल के बाद अब भक्तों में उत्साह नजर आ रहा है। वहीं IBC 24 के संवाददाता शालिनी हाड़िया ने जायजा लिया रणजीत हनुमान मंदिर का। इससे मौजूद हूँ मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में। मैं आपको दर्शन करा रही हूँ 125 साल पुराने रणजीत हनुमान बाबा के। बेहद ही खूबसूरत श्रृंगार जो है आज वो हनुमान बाबा का किया गया है। पूरा महाराष्ट्रीयन थीम पर बेस्ड है। और सबसे बड़ी बात कि इस मंदिर में दर्शन के लिए लाखों की संख्या में भक्त आज जुटने वाले हैं। तस्वीरें दिखाती हूँ मैं आपको कि कितना भक्तिमय माहौल है और बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर दर्शन लाभ लेने के लिए पहुंच रहे हैं। क्योंकि 2 साल के बाद हर तरह की पाबंदियां हटी है कोरोना काल के बाद, जो है बड़ी आसानी से दर्शन कर सके और उसका लाभ ले सके। पंडित जी है व्यास जूनी से बात करते हैं। पंडित जी, किस तरह से उत्साह मन रहा है 2 साल के बाद पूरी आजादी के साथ भक्त आसानी से दर्शन कर पाएंगे? क्योंकि 2 साल कोरोना का पीरियड बड़ा ही सबके लिए अच्छा नहीं निकला, तो इस साल सभी भक्तों में अपार उत्साह हमको देखने को मिल रहा है। प्रातःकाल 6 बजे बाबा की जन्मोत्सव आरती यहाँ पर संपन्न की गई। हजारों की संख्या में यहाँ पर सभी पुरुष सदस्य, मातृशक्ति, छोटे बच्चे सभी उपस्थित थे। वो बहुत ही हर्षोल्लास के साथ बाबा का जन्मोत्सव यहाँ पर मनाया गया है। ये नज़ारा इंदौर शहर का है, बेहद ज्यादा भक्तिमय माहौल और हनुमंतवाड़ा बनाया गया है। और जिस तरह से दूर दराज से भक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, वो वाकई ये दर्शाता है कि आस्था का ये एक बड़ा केंद्र के रूप में दिन प्रतिदिन और ज्यादा उभरता जा रहा है। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ शालिनी हाड़िया, IBC 24 इंदौर।